गीतिका दुभाण गांव की रहने वाली है। यह गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के द्वाबा क्षेत्र में पड़ता है। मानसून के बाद यहां बाढ़ आई हुई है। बाढ़ ने समाज के सभी तबकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन गीतिका और उसके जैसी दूसरी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए यह चुनौती एक अलग स्तर की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा देश के उन इलाकों में से एक है जहां महिलाओं के स्वास्थ्य की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। यहां बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे ज़्यादा है। बाढ़ से इतर सामान्य दिनों में भी मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं यहां महिलाओं को आती ही रहती हैं। बहुत सारी महिलाएं पैसे की कमी एवं सामाजिक लज्जा जैसे कारणों के कारण आज भी अपने पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड की जगह गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो पीरियड्स के समय न तो रसोई घर में जा सकती हैं और न ही वो मंदिर इत्यादि में पूजा पाठ कर सकती हैं। यह शायद इस सामाजिक मान्यता के कारण हुआ है कि पीरियड्स कोई अशुद्ध चीज़ है। इसके अलावा खराब पोषण के कारण महिलाओं में एनीमिया की शिकायत भी पाई जाती है। सामान्य दिनों से इतर आजकल जब गंगा नदी के कारण बाढ़ आई हुई है तो महामारी स्वास्थ्य से जुड़ी यह चुनौती और ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाढ़ के दिनों में यह इलाका शहर से कट जाता है और इसके साथ ही जरूरी चीज़ों की आपूर्ति भी बाधित हो जाती है। ऐसे समय में कई बार दुभण गांव वालों को अपना गांव छोड़कर मुख्य राजमार्ग की सड़क पर सरकार द्वारा बनाए गए तंबू एवं टेंटों में रहना पड़ता है। बातचीत के दौरान गीतिका बताती हैं कि बाढ़ का कारण है गंगा नदी के प्राकृतिक रास्तों में रुकावट पैदा करना एवं गंगा के रिवर बेड एवं फ्लड प्लेन में बहुत सारे निर्माण कार्य करना। वह बताती हैं कि बचपन में गंगा का पानी घर में नहीं घुसता था, लेकिन जब से गंगा के रास्ते में रुकावट पैदा की गई है पानी उनके घर में घुस जाता है। पर्यावरणीय आपदा एवं प्राकृतिक संकट का सामना उन लोगों को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार होते हैं। गीतिका बीएड की छात्रा हैं। उन्हें याद है कि पिछले साल वह बाढ़ के दौरान अपने पीरियड्स के दिनों में बीमार पड़ गई थी। बाढ़ के जाने के बाद उसने और उसकी सहेलियों ने तय किया था कि वह बाढ़ की तैयारियां पहले से ही शुरू कर देंगी। मानसून के पहले ही उन्होंने बहुत सारे सैनिटरी पैड्स एवं महावारी स्वास्थ्य से जुड़े दूसरी चीज़ों को खरीद के रख लिया था। वह कहती हैं कि बाढ़ कोई अतिथि नहीं है, यह कभी अचानक नहीं आती। इसके पूर्वानुमान हमें पता होता है, इसकी तिथियाँ बिल्कुल तय हैं। दो चार दिन का अंतर पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यह अचानक आई विपत्ति है। इससे पहले जो तैयारियां करनी चाहिए वह नहीं हो पाती। वो आगे कहती हैं कि स्त्रियों को अपने माहवारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से अपने हाथों में ले लेना चाहिए। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें वो अपने गाँव की दूसरी महिलाओं को भी सैनिटरी पैड और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। वो इस समय नेशनल हाईवे 31 पर स्थित एक सरकारी तंबू में रह रही हैं। शहर में रहने वाली उनकी सहेलियों के लिए बाढ़ केवल एक खबर या घटना भर है, लेकिन गीतिका के लिए बाढ़ उसके जीवन का हिस्सा है। वह बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार उसने और उसकी सहेलियों ने बेहतर तैयारियाँ की हैं। उसका कहना है कि माहवारी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए महिलाओं को अपनी सामाजिक लज्जा को छोड़ना होगा एवं पुरुषों को उनका साथ देना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इन सारी चुनौतियों से लड़कर कभी जीत हासिल कर पाएगी, वह मुस्कुराते हुए अपने टीचर द्वारा सुनाई गई कविता की एक पंक्ति से जवाब देती है, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे।